नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और लेकर आया हूं जनता का मूड। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ चुकी है और यहां के प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की तलाश में जुट गए हैं। यह सोच जारी है कि वर्तमान विधायकों को रखा जाए या फिर कुछ परिवर्तन हो। कुछ राजनीतिक दल अपने नए प्रत्याशियों को उतारने की भी सोच रहे हैं, तो स्थानीय जनता ये सोच रही है कि आखिर उनका प्रत्याशी क्या होगा और ये मूड बनाने में लगी है कि स्थानीय मुद्दों पर उन्हें वोट देना है या राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट देना है या फिर किसी नेशनल लीडर के चेहरे पर उनको वोट देना है। तो आइए चलते हैं उनियारा और देवली विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं जनता का मूड। जनता का मूड जानते हुए आज हम आए हैं देवली उनियारा क्षेत्र के देवली मुख्यालय पर और जानते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है राज्य सरकार के कामकाज के बारे में, यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, साथ ही यहाँ के जो विधायक हैं उनके बारे में। भाई जी, नाम क्या है आपका? केशव। केशव भाई जी, चुनाव आने वाले हैं, ठीक है, तो पिछले 5 सालों में क्या लगता है आपको, कितना डेवलपमेंट यहाँ देवली का हुआ होगा? जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये देवली उनियारा में है या इधर जहाजपुर वाली में? देवली उनियारा में। देवली उनियारा में, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि देवली के दो टुकड़े हो गए, इसके कारण से विकास कहीं प्रभावित होता है? प्रभावित तो होता ही है ना, क्योंकि चारों तरफ से भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट लगा हुआ है, इसलिए अजमेर है, भीलवाड़ा है, टोंक डिस्ट्रिक्ट केवल बहुत कम है इसमें देवली में। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हरीश मीणा जी, कितना उन्होंने काम करवाया है और कितनी जो आपकी अपेक्षाएं थी चुनाव के समय वो कितनी पूरी हुई है? नहीं, पानी की उसकी कोई समस्या पूरी नहीं हुई, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो राज्य सरकार की योजना है वो कितनी लाभकारी आप लोगों के लिए, इस देवली के लिए हुई? सर, हमारे लिए तो कोई लाभकारी नहीं है, आम बिजनेस के लिए क्या लाभकारी है। भैया, नाम क्या है आपका? महावीर प्रसाद। महावीर जी, एक चीज़ बताइए कि एक आप लोगों की शायद मांगते हैं कि देवली को भी डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। बिल्कुल साहब, बनाया जाना चाहिए। जो सरकार की योजना है जैसे महिलाओं के लिए 500 रुपये का गैस सिलेंडर है, फ्री में स्मार्टफोन है, मोबाइल वाली चीज़ है और फ्री मेडिकल है, सरकारी लोगों के लिए OPS वाली चीज़ है, ये कितनी लाभकारी यहाँ पर आप मानते हैं? ये तो लाभकारी है, अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट। ऐसे क्या लगता है इस बार मूड क्या है जनता की, देवली की जनता का? देवली की जनता जो सरकार काम करेगी उसी को वोट मिलेगा। आपको लगता है वापस आ जाएगी सरकार? आनी तो चाहिए कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस सरकार, इनका लगता है कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। ये नाम क्या है? अमन। अमन, क्या लगता है इस बार देवली की जनता, युवा, आप युवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लगता है युवा क्या सोचते हैं? युवा तो ये सोचते हैं जो युवाओं के हित में कार्य कर रही है सरकार, अच्छे कार्य कर रही है और इतनी सारी योजनाएं चला रखी है सरकार ने। केंद्र सरकार ने अभी रसोई में कितना सिलेंडर कितना महंगा कर रखा है, हर चीज़ पेट्रोल महंगी हो रही है, सब चीज़ महंगी हो रही है, आम परेशान हो रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। अभी कम से कम राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतनी बढ़िया योजना चला रखी है, फूड पैकेट योजना चला रखी है, इतने सस्ते काम। अभी उज्ज्वला के अंदर 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है, तो सरकार तो रिपीट होने की चांसेस है। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है जो लगता है कि आपके देवली वालों के लिए जरूरी थी, पूरी नहीं हुई इस कार्यकाल में? पूरी नहीं। देखो, लगभग जैसे देवली वालों के जो विधायक साहब काम करेंगे, मुख्यमंत्री तो यहाँ काम करने से आने थे, बाकी जैसे विधायक साहब ने जहाँ रोड थे नहीं थे वहाँ रोड बनाए, बाकी लगभग सब काम करे ही है। बस एक कमी ये रह गई कि देवली जो है जिला नहीं बन पाया एक तो, और एक जो ये फेराफेरी का एरिया है ये देवली में नहीं मिल पाया, तो अगर ये हो जाता तो और बढ़िया रह जाता। एक और भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहते हैं आप, जनता इस बार रिपीट होगी सरकार या मोदी जी के चेहरे पे? ये मोदी जी के चेहरे पे ही वोट पड़ेंगे। देवली की प्रमुख समस्या ये है कि सीमा ज्ञान, इस रोड के एक साइड तो टोंक रोड है, इधर भीलवाड़ा जिला है, यहाँ जो भी पानी व्यवस्था सब आती है टोंक जिले के हिसाब से आती है, और ये ज्योति कॉलोनी कुचलवाड़ा रोग हनुमान रोग के सबको पानी वानी रह देना पड़ता है, यहाँ सारी व्यवस्था व्यवस्थित हो रखी है, लोग परेशान हैं। मोदी जी तो आएंगे, आएगा तो मोदी कैसे आएगा? अच्छा, मोदी जी तो चलो आएंगे, मोदी जी तो आएंगे, तो यहाँ के MLA बदलेंगे या यहाँ पे सरकार बदलेगी, क्या कहते हो? देखो, MLA ने भी काम तो कराया लेकिन कोई भरोसा नहीं। राजस्थान में हमारे देवड़ी उड़ेरा में आज दिन तक रिपीट हुआ है नहीं, एक बार कांग्रेस, एक बार BJP, एक बार कांग्रेस, एक बार BJP। अच्छा, आपके यहाँ जैसे एक बार रामनारायण मीणा रहे और एक बार राजेंद्र गुर्जर रहे, फिर हरीश जी रहे, तो इन तीनों में से बेहतर MLA कौन लग रहा है?
जनता तो किसी को बेहतर नहीं मानती है, पलटना जानती है राजस्थान की जनता। तो ये इनके हिसाब से तो जनता फिर पलटी मारेगी। ये चाय वाले भाई साहब है क्योंकि ये इलेक्शन चाय वाले और जादूगर के बीच में। तो भाई साहब नाम क्या है आपका? मोहनलाल जी। कितने सालों से चाय बना रहे हो? यहाँ 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए, मतलब जब से चाय वाला आया देश में तब से चाय बना रहे हो आप। चलिए अच्छी बात है। तो क्या लगता है इस बार मोदी जी के चेहरे पे लोग वोट देंगे या गहलोत जी के कामों पे वोट देंगे? गहलोत जी भी अच्छे काम करवा रहे हैं लेकिन बीजेपी को नहीं वोट देंगे ज़्यादातर लोग। तो क्यों, ऐसा क्यों लगता है? केवल ये ट्रेंड है, यहाँ पर बदलने का ट्रेंड है, देवली उंडियारा में बदलने का ट्रेंड है इसलिए, या विकास को देखेंगे? बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी अच्छी बताई गई। विकास तो अच्छा ही है राजस्थान में तो, लेकिन केंद्र में तो बीजेपी को ही देंगे। नहीं, यहाँ राजस्थान विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो नवंबर में के लास्ट में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें आप हरीश जी के कामों को देखेंगे या गहलोत जी की योजनाओं को देखेंगे, जिसने फ्री मोबाइल है, गैस सिलेंडर, सस्ता गैस सिलेंडर है, 100 यूनिट जो फ्री बिजली दे रहे हैं वो है, मेडिकल की फ्री सुविधा है, तो ये इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आम आदमी जनता लाभ तो उठा रही है ना इस चीज़ का? उठा रही है साहब, देंगे ना इनको ही देंगे ना केंद्र राजस्थान में तो। हाँ। कांग्रेस को ही देंगे, बच्चा वोट काम कर रही। बाकी केंद्र में तो बीजेपी को ही देंगे। केंद्र में तो मोदी जी आएंगे ऐसा इनका बोलना है। एक और भाई साहब, इनसे बात करते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? राम राम साहब। गोपाल गुजर। अच्छा गुजर साहब, क्योंकि ये तो आप लोगों का डोमिनेटिंग एरिया है। बिल्कुल। या मीणाओं का या गुजरों का, क्योंकि यहाँ पर 2 बार मीणा रह गए, 1 बार गुजर MLA रह गए। हाँ, एक बात एक बदलते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको बदलने का कारण क्या है? बदलने का कारण तो जनता का मानस है सब। मतदाता जैसा सोचता है ना वैसी सरकार बनाता है। तो इस बार क्या सोच रहा है मतदाता? मतदाता तो यही सोच रहा है, प्रचार तो मीडिया में खूब है, सरकार वाह वाही कर रही है, लेकिन धरातल पर जो योजनाएं हैं उतनी प्रबल प्रभावी कारगर कम है। अच्छा, ऐसी कौन सी योजना है जो बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ देवली के लोगों को उतनी नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए? भाई देखो ना, केंद्र से इतना पैसा आया जल जीवन योजना में, मशीन में, हमारे यहाँ पानी पीने का ही नहीं है। बिसलपुर दुनिया को पानी पिला रहे हैं, यहाँ 10 मिनट पानी आता है। मोदी जी का और तो परिवर्तन लाएगा या गहलोत जी की सरकार और गहलोत जी के जो काम है उनकी योजना है वो वापस रिपीट करेंगे? नहीं, योजनाएं तो खूब बहुत बढ़िया है लेकिन वो कारगर वो जब है ना। इनका कहना है योजनाएं अच्छी हैं लेकिन धरातल पे उनका क्रियान्वयन या अमल उतना नहीं हो रहा। भाई साहब नाम क्या है आपका? कन्हैयालाल। कन्हैयालाल जी, क्या लगता है आपको कि देवली के जो 2 हिस्से हैं ये इसका कई फर्क पड़ता है कि जिसके कारण से विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? ये 2 जिलों के बीच में बंटी हुई इसलिए विकास नहीं हो रहा साहब। हमारे पीछे ज्योति कॉलोनी है, कुछ भी विकास नहीं है, ना तो पानी आ रहा, ना टाइम पे लाइट आ रही है, ना सड़क है, ना कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ये चुनाव मोदी जी वर्सेस गहलोत होना है या भाजपा वर्सेस कांग्रेस होना है? मोदी जी वर्सेस गहलोत होना है। ये कोई है ही नहीं, भाजपा का लीडर ही नहीं है कोई। इनका कहना ये है कि भाजपा का कोई लीडर नहीं है, ये जो चुनाव होना है वो मोदी जी वर्सेस गहलोत होना है। देवली में आपको क्या लगता है ऐसा क्या चीज़ थी जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ? जो सब जगह हो रहा है वो काम हो रहा है, स्पेशल ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ उनकी तरफ से, विधायक साहब की तरफ से स्पेशल कुछ कोटा नहीं दिया भाई। हाँ भाई, देवली के अंदर अलग से कुछ ये दे दिया, वो कोटा दे दिया और ये कर दिया होगा। तो यहाँ ही रह चुके काम करते हो? तो काम करते देखे सड़का वड़का की स्थिति का है यहाँ से? यहाँ तो बस सही है, सड़क वड़क ठीक है। और कभी देखा कोई सड़क, पानी, बिजली कहीं? बिजली में थोड़ी टाइम पर नहीं आती है। अच्छा, टाइम पर नहीं आती। हाँ चलो, इनका कहना है कि टाइम पर नहीं आती। एक भाई साहब इनसे बात करते हैं, क्या लगता है ऐसी चीज़ क्या है राजस्थान में जो लगना था कि यार विकास की जो योजनाएं हैं सरकार की उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ या नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? लगभग जो स्कीमें चल रही है वो लगभग चल ही रही है, सही से चल रही है अभी तक। लेकिन कुछ चेंजेज होने चाहिए, जैसे गाँव में अभी भी सड़कें वगैरह पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, थोड़ा सा उनको डेवलप करने में ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर नल वगैरह की फैसिलिटी नहीं है अभी, हमारे बहुत सारे इधर के पास के गांव में जहाँ में अभी तक भी नल की सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ पे पानी पहुँच जाए तो अच्छा। हालांकि कोशिश चल रही है, टंकी वगैरह बन रही है, लेकिन वो फास्ट हो जाए तो थोड़ा गांव वालों को फैसिलिटी मिले। अच्छा, आपको लगता है कि युवाओं के लिए सरकार की योजनाएं काफ़ी हैं रोजगार देने की? के लिए और करना चाहिए थोड़ा सा। भाई साहब नाम क्या है आपका? गौरव चतुर्वेदी। आप कहाँ के गौरव भाई? देवली। देवली के। क्या आपको क्या लगता है कि ये देवली में जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए? आज भी मूलभूत सुविधाएं हैं, बिसलपुर से देवली शहर 10 किलोमीटर दूर है लेकिन देवली को पानी बिसलपुर से नहीं आता, आज भी वही पुराने कुओं से पानी यहाँ मिल रहा है। और उसके अलावा जो लोकल समस्या है, हमारे सबसे बड़ी समस्या आसपास पेराफेरी एरिया, तो देवली से 0.5 किलोमीटर भी नहीं है, मुश्किल से भीलवाड़ा जिला आता है, वो बेचारे आज भी परेशान है।
ना उनका अस्तित्व भीलवाड़ा में ना देव टोंक में, वो उनके लिए ना तो पानी पेयजल है पीने को। कई कॉलोनियों में चंबल की योजना भी आई हुई है लेकिन उनके पास आज भी चंबल योजना का पानी नहीं है, ना ही बिसलपुर से उनको पानी, उनको मजबूरन बोरिंग के पानी से काम चलाना पड़ता है। अच्छा, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार युवाओं के लिए लाई है, महिलाओं के लिए लाई है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए लाई है, तो क्या लगता है वो योजनाएं पहुंच रही है लोगों तक? देखिए, योजनाएं तो पहुंच रही है लेकिन धरातल पे उनका काम नहीं है ना। लोगों के पास ना तो जागरूकता है कि ये योजना इसलिए कोई लाभ मिल ही नहीं पा रहा लोगों को। देवली की जनता का मूड क्या नज़र आ रहा है? क्या परिवर्तन होगा या सरकार कांग्रेस की जो गहलोत जी की सरकार है वो रिपीट होगी? क्या स्थानीय विधायक में कोई चेंजेस आएगा या फिर इनको फिर से मौका दिया जाएगा? देखिए, देवली उनियारा की अगर बात की जाए ना तो आज तक यहाँ कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ है। भाई जी, नाम क्या आपका? विनोद कुमार साहू। विधान भाई, एक चीज़ बताइए कि क्या लगता है आपको, जो 5 साल में जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, गहलोत ने जो योजनाएं बनाई हैं गहलोत सरकार की, तो अब ये चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी होने वाला है या फिर क्या रहने वाला है? यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सत्ता परिवर्तन होगी। और जो इन्होंने योजना लाए हैं वो क्या है, धरातल पे तो नहीं उतरी, जमीनी हकीकत पे नहीं उतरी है, ये केवल कागजों में लिपअप होती है और ऐसा कोई दिखावा नहीं है। आज मेन मार्केट की हालत देखो आप, पानी भरा हुआ है, आप वो चीज़ ज़मीन पे नहीं है। आप यहाँ से जाओ छोटे मोटे गांवों में सड़कें बनी ही नहीं। तो आपको, आपके हिसाब से तो परिवर्तन है? परिवर्तन है राजस्थान में और मोदी मोदी आएगा सर। चलो, इन भाई साहब से पूछ लेते हैं थोड़ी जल्दी में, गाड़ी स्टार्ट कर ली। भाई साहब, ये गाड़ी जो अब चुनावों तक जो चलेगी, तो एक गाड़ी के पीछे कौन बैठने वाला है आपकी पे? जनता में तो कोई काम करने वाला योग्य कोई नेता है नहीं है, जो किसको बैठा है साथ में। रोजगार तो मिलना चाहिए ना, आने वाला बहुत से सुधरे कैसे सुधर पाएगा वो? इसे तो कम से कम जो डिग्रियां ले रखी है लोग, योग्यता कर रखी है लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, कम से कम अपने एजुकेशन के हिसाब से इस साथ बिजनेस तो मिलना चाहिए ना। तो आपको लगता है इस बार परिवर्तन होगा? जिस बात होगा डेफिनेटली बीजेपी आएगी यहाँ पर। तो भाई साहब नमस्कार, नाम? नमस्कार सर, विनोद कुमार नाम है मेरा। विनोद भाई जी, एक चीज़ बता दो, क्या लगता है आपको कि 5 साल में सरकार के कामकाज को कैसे देखते हो आप? देखिए इधर आप देवली उनियारा को खंगालने आए हैं। देवली एक भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो देवली जिला पढ़ने के योग्य है। भौगोलिक स्थिति आज देवली परिसीमन क्षेत्र से पूरी तरह निचोवा हुआ है, डूबा हुआ है। आपका एक पेड़ देवली में है टोंक जिले में, तो दूसरा पेड़ निश्चित रूप से शाहपुरा में है और तीसरा इस तरफ जाएंगे तो आप केकड़ी में गिर जाएंगे। तो देवली की ये बहुत बड़ी समस्या है जो लोग बाग अभी तक पटल पे नहीं ला सके हैं। तो हमारा तो है, और रही बात कार्यकाल की, अच्छा रहा, शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कार्यकाल अच्छा रहा माननीय विधायक जी का, और आने वाले समय में भी देखते हैं आने वाले। क्या लगता है आपको, सरकार रिपीट होगी या मोदी जी के चेहरे पे वोट डाले जाए? गहलोत के नाम के आगे लोगों की मोहर है, इनके हिसाब से गहलोत जी के नाम के आगे मोहर है। दावाई नाम क्या है आपका? जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र भाई, क्या लगता है आपको, सत्ता परिवर्तन रिपीटेशन क्या लगता है? देखिए, परिवर्तन तो होगा क्योंकि देवली शहर के जो लोकल मुद्दे थे, सबसे ज़्यादा समस्या है पेयजल की। पिछली सरकार में योजना बनते बनते कार्यकाल पूरा हो गया और इस कार्यकाल में भी यहाँ पे पेयजल के लिए कोई भी योजना अमल में नहीं आ पाई। लगभग 11-12 करोड़ रुपये की देवली में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें डलनी जरूरी हैं ताकि घर घर तक पानी पहुँचे। अभी पहले बिसलपुर से यहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को जोड़ा गया था, लेकिन ये यहाँ की जो पानी की पेयजल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ये 30-40 साल पुरानी लाइन हो चुकी, इसलिए सप्लाई प्रॉपर होती नहीं है। जब तक ये नई पाइपलाइन डलेंगी तब तक सही से यहाँ पेयजल। पानी की समस्या के अलावा और ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ होनी चाहिए थी नहीं हुई, जिले की मांग भी थी? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने 19-20 जिले जो बनाए हैं, इसमें से मुश्किल से 5-7 जिले ऐसे थे जो वाकई में भौगोलिक स्थिति और सही प्रशासनिक दृष्टि से उनको जिला बनना चाहिए था। अगर भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से देखते तो देवली शहर 4 जिलों के बीच में है और यहाँ के काफ़ी संसाधनों का उपयोग भीलवाड़ा से जो लगती हुई कॉलोनियाँ वो भी उपयोग करती है, इसलिए शहर भी कई सुविधाओं से वंचित रह जाता है। तो देवली को जिला बनना चाहिए था। देवली और उनियारा विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड जानते हुए हम पहुंच गए हैं देवली के बाद उनियारा मुख्यालय पर, ये जानने के लिए कि उनियारा क्षेत्र की जनता क्या सोचती है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 विधानसभा पिछले हुए हैं
उनमें दो बार मीणा उम्मीदवार रामनारायण मीणा और हरीश मीणा यहाँ पर विधायक रहे हैं और एक बार भाजपा के राजेंद्र गुर्जर यहाँ पर विधायक चुने गए हैं। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में वोट डाले जाएगी, कितना विकास हुआ, आइए जानते हैं उनियारा की जनता से। भाई जी नाम कहें जी? नाम कहें जी? बद्री। बद्री भाई एक चीज़ बताओ, अब चुनाव वाला है पिछला चार साल में पाँच साल में कितना विकास इस क्षेत्र को, 100 यूनिट फ्री की बिजली या सिलेंडर, मेडिकल की जो है निःशुल्क दवाई योजना, ये सब मिल रही है कि ना मिल रही है? कहाँ मिल रही है? कहाँ मिल रही है? सरकार तो कह रही है कि सबके पास पहुँच गई। गिरी मिल रही है ना? मिल रही है? कहाँ मिल रही है? मिल रही है सरकार की सिलेंडर कौन दी? बहुत सारे सिलेंडर मिले सिलेंडर भी मिला है और दवाई गोली मिल रही है और भी इसकी इसको पैकेट भी मिला है और ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छी सरकार। अच्छा, पिछले तीन साल में चार साल में अब तो क्या, दो तीन महीने रह गए अब चुनाव में, तो क्या लगता है इस क्षेत्र का विकास हुआ है, पैसा आया है यहाँ पे? नहीं आया नहीं, विकास भी है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, विकास के नाम पे क्या क्या हुआ है बताएं? अब रोड भी काम कराए इन्होंने, बाकी स्कूलों का भी काम कराया, फिर भी बढ़िया काम कराया। इंद्रगढ़ वाला रोड बन गया? हाँ वो मढ़िया ठेर तक, उनियारा से लेकर और इंद्रगढ़ तक रोड बन गया। जब पिछला चार साल में कितना विकास हुआ है? सर मुझे तो यहाँ पे कोई विकास नहीं दिखा दिया, जो भी हुआ है जो आपके सामने है ही सही, जनता के सामने है। और आपके जो MLA है वो आते हैं मिलते हैं आप लोगों से? कभी कभी आते हैं, कभी कभी मिलते हैं, ज़्यादातर यहाँ नहीं है, देवली क्षेत्र में ज़्यादा है। क्या लगता है इस बार जो चुनाव हुए हैं तो फिर उन्हीं को चुनोगे या कोई नया बंदा है? नया बंदा है तो अच्छा रहे। कैसे भी MLA आओ है कोई ध्यान न दे गाँव को। कारण का है जी? कारण ये जी, अगर लोग भी जागरूक हो रहे, यहाँ का नेता भी जागरूक हो रहे। मेरा रोजाना मजदूर भाई बेरोजगारी से झूल रहे, ना कोई धंधा, ना कोई फैक्ट्री यहाँ पर, ना कोई कमाने का कोई साधन हमारे पास। सरकार तो कितने बहुत सारा दिया, बहुत पैसा दिया, बहुत सारी कुछ भी नहीं दिया। कोई सी सरकार आ गई, बीजेपी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गई, हर सरकार आ गई, कोई सी सरकार ने साथ नहीं दिया हमारा। क्या लगता है इस बार जो चुनाव डालने जाओगे, क्या लगता है आप? उसको दिया जाएगा जो हमारी सुनेगा। क्या सोच के वोट डालते हो? क्या कहते हो कि विकास होगा? उस जो विकास करते पार्टी या कोई विधायक उसको वोट देते हो या मतलब ऐसे जाके वोट डालते? नहीं नहीं, विकास के लिए देते हैं वोट। भाई अपने क्षेत्र का विकास होना चाहिए और जनता का भला होना चाहिए, अच्छा नेता हो उसके लिए वोट देते हैं। अच्छा, तो फिर जो आपने अभी सोचा कि पिछली बार जब आपने वोट दिया था जिसको भी दिया होगा, हाँ हाँ, अगर वो उम्मीदवार जीते हैं तो कितना विकास यहाँ इस क्षेत्र में हुआ है? क्या इस क्षेत्र में जनता के विकास अच्छे हुए हैं? व्यक्तिगत कार्यकर्ता ऐसे थे, मन मुटाव हो सकता है, काम नहीं हो वो बात की बात है। अन्यथा अशोक गहलोत सरकार ने पाँच साल में बहुत अच्छे काम करवाए हैं, गरीबों का मसीहा है अशोक गहलोत, कुछ बहुत अच्छी सरकार चला है अशोक गहलोत ने पाँच साल, जैसे रोजगार योजना, जैसे अपने ये खाद्य सुरक्षा की सारी चीज़ें जो है, पेंशन बढ़ाई अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत लोकप्रिय नेता है राजस्थान का और इससे बढ़िया नेता नहीं हो सकता, इससे बढ़िया सरकार नहीं हो सकती। ये तो बता दे, चलो अशोक गहलोत सरकार नहीं हो सकती, कांग्रेस से बढ़िया कोई सरकार नहीं हो सकती राजस्थान के अंदर। और आपके विधायक को कितने नंबर दोगे आप 10 में? हमारे विधायक को तो 10 में से विधायक साहब को कम से कम 4 तो मिलनी चाहिए। गहलोत जी को? गहलोत साहब को तो 100 में से 100%। क्या लगता है आपको इस बार सरकार रिपीट होगी? राजस्थान में अभी तक ऐसा हुआ नहीं, एक बार से वही सरकार दोबारा रिपीट हो जाए। अच्छा, ट्रेंड मतलब ट्रेंड तो खैर ये है, लेकिन ये जो उनियारा की जनता है इसका मूड क्या लग रहा है आपको? उनियारा की जनता भाव विभोर जनता होती है, उनियारा की नहीं सभी जगह की, सभी जगह की जनता भाव विभोर होती है। बहुत जाएंगे गेलू साहब को? बढ़िया। गेलू साहब ने क्या कह दिया आपको? गेलू साहब ने कहा हमसे पेंशन दे गया है, फ्री में नाच दे गया है, ये काम चला के क्या है? अच्छा, 100 यूनिट तो फ्री कर दी, तो आपके यहाँ लाइट आती है 24 घंटे? हाँ आई है। गहलोत सरकार 100% आएगी इस बार, 100%। लोग क्यों कहते हैं कि साहब इस क्षेत्र का विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मीणा जी पायलट गुट के थे तो उनको उतना पैसा? नहीं नहीं सर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे लाइट आती है, रोड वगैरह साफ सफाई वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब प्रेम से रहते हैं और गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए बाबूजी, क्या कहते हो आप? क्या कहते हो? नगर पालिका में अच्छे काम करवाए, लाखों करोड़ों रुपए के काम हुए हैं यहाँ पर, ये अभी भी 1,40,00,000 रुपए पास करवाया है इन्होंने, और कांग्रेस सरकार ने हर गरीब की, हर बच्चे की, हर की मदद की है, आज बड़े बूढ़े की अस्पताल में सुविधा दी है, हमारे यहाँ बड़ा अस्पताल हो गया ट्रामो बस, और जो एक अस्पताल जो है वो भी अब भगवान ने चाहा तो जल्दी तैयार बना हुआ है, उसको भी उसमें डॉक्टर लोग लाएंगे,
अच्छा एक चीज बताओ, और यहाँ ऐसी कौन सी समस्या आपको लगती है जो जिसको लगता है कि ये इन 5 सालों में पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं? सब समस्याएं यहाँ पर पूरी हुई है। वैसे तो हो कुछ कमर कुछ ज्यादा होती रहती है, सब काम हुए हैं यहाँ पर, ऐसी कोई समस्या नहीं। शिक्षा विभाग में भी शिक्षा के स्तर पर भी तहसील नहीं बनी है यहाँ पर, नया तहसील दिए हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने। हम गहलोत साहब को धन्यवाद देते हैं जो उनियारे को काफी रोजगार दे रहे हैं और काफी काम दे रहे हैं, हिसाब से रोजगार दे रहे हैं। और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर जनता का मूड है, अभी तो जिस तरह से लग रहा है उस तरह से तो ये लग रहा है कि गहलोत साहब की यहाँ वापसी होने वाली है। क्या लगता है आपको कि इन 5 सालों में कितना काम हुआ होगा इस उनियारा क्षेत्र? गाँव की स्थिति तो बहुत ज्यादा खराब है यहाँ की। गांव में जाते हो कीचड़ी कीचड़ है, नाली सड़क बिल्कुल खराब है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। पानी के मामले में ठीक है, लाइट लाइट के मामले में बहुत सारी क्षेत्र में बहुत सारी जगह लाइट की प्रॉब्लम है। लाइट के तो सर उनियारा क्षेत्र में तो ठीक है जब से मैं रहा हूँ। युवाओं के लिए कोई रोजगार की रोजगार का इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे, रोजगार का एजुकेशन का इतना कुछ खास नहीं है, बाहर जयपुर ही जाना पड़ेगा। इन MLA का अगर कार्यकाल दूसरे MLA से प्रभुलाल सैनी, राजेंद्र गुर्जर, रामनारायण मीणा से यदि करें तो कहाँ आप कहाँ ठहराते हो उनको, मतलब कितना अच्छा मानते हो कितना बुरा मानते हो? जितने भी विधायक जिन्होंने जो आप जो बता रहे हो पहले विधायकों ने काम किया उनके हिसाब से इनका कोई काम का जितना टिकाऊ नहीं है जो रहा है। कितना काम हुआ और सरकार की योजनाएं कितने लोगों तक पहुंच रही? देखिए सर, सरकार का काम होता है जन जन तक पहुंचना, बीजेपी हो या कांग्रेस हो सब कहीं ना कहीं अपना गठजोड़ बैठाती है, लेकिन सर धरातल पे एक आम नागरिक तक जो सुविधाएं पहुंचती हैं एक जन जन तक, वो सिर्फ कांग्रेस ही करती है। महिला के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार, इन मामलों पे सरकार कितनी खरी उतर रही है? सर बिल्कुल खरी उतर रही है। महिलाओं के खिलाफ अपराध आप कहीं ना कहीं डेटा उठा के देखिए, जितने भी गैंग रेप हुए कहीं ना कहीं इस सरकार में घटे हैं, लेकिन सर कुछ घटनाएं हैं, इतना बड़ा राजस्थान है कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं लाइमलाइट में बीजेपी सरकार ले आती है। मतलब कहने का मतलब ये कि सरकार सही काम करिए, रिपीट होने की संभावना है? सर 100% रिपीट होगी। उनियारा के लोग है, इनका मूड क्या नजर आ रहा है? क्या वापस से कांग्रेस सरकार लाओगे या बीजेपी की सरकार आएगी, क्या होगा, क्या लगता क्या है? राजस्थान में तो स्वाभाविक बात है 5 वर्ष बीजेपी सरकार रहती है और 5 वर्ष कांग्रेस सरकार रहती है। ऐसा कौन सा विकास था जो इस उनियारा में पिछले 5 साल 10 साल 15 साल में नहीं हुआ? क्या चाहिए था उनियारा को विकास के नाम पे जो नहीं हुआ और इसकी सख्त जरूरत इस क्षेत्र को है? देखो जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा तो क्या है कि जो नगर पालिका बनती है जब भी, वो कोई सी भी सरकार बने क्या पता उनियारे नगर पालिका को फंड नहीं मिलता है कि जो विकास नाम की तो कोई चीज़ पूरी हो ही नहीं पाती है। यहाँ पे खड्डे काफ़ी हैं, बिजली आधी अधूरी मिलती है, पानी की सप्लाई सही नहीं है। यदि यहाँ के MLA को नंबर देने को बोला जाए 10 में से कितने दोगे? 10 में से 10 नंबर देंगे सर। 10 में से 10 दोगे, कारण क्या रहेगा 10 में? कारण यह रहेगा 4.5 सालों के अंदर जो विकास कार्य जो देवली उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीणा ने जो कराए है वो आज ऐतिहासिक कार्य है। 70 सालों में अभी तक उनियारा विकास नहीं हुआ था। हमारी 10 किलोमीटर की जो तहसील है अलीगढ़ के मुख्यालय थे विधायक साहब ने आज यहाँ पर ला दी है, और 25 करोड़ रुपए के जो विकास कार्य जो कराए, नेणवा रोड है, माधोपुर रोड है या टोंक रोड है, आज आप जाओगे तो चौड़ा रोड पाओगे आपको। नगर पालिका के विकास में भी 25 करोड़ रुपए का जो यहाँ का वार्डों में काम हुए वो विकास देन, विकास पुरुष विधायक साहब की देन। आपके हिसाब से सरकार अभी आएगी? सरकार वापस आएगी 150 के पार है। चलिए, इन सबका ये कहना है, जो अधिकतर लोग हैं उनका ये कहना है कि क्षेत्र में विकास काफी हुआ है और गहलोत सरकार यहाँ पर वापसी करेगी, यहाँ के MLA ने अच्छा काम किया है। तो ये था देवली और उनियारा की जनता का मूड, लेकिन जो वास्तविक मूड है वो उस समय कुछ इधर उधर हो जाता है जब EVM में बटन दबाने जाते हैं और रिजल्ट कुछ और निकलता है। तो अंतिम जनता का मूड तो दिसंबर में जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तभी पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।